हे फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नानामी के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए उसके की इनफ और फिर बैटर इनफ से स्टार्ट करते हैं। तो फिर उसकी जो रियलिटी है वो एपिक होगी, फिर डिफ़िकल्टी हार्ड, और जो फैक्शन है वो हेराल्ड। इसका जो अटैक है वो रहेगा 90, फिर डिफेंस 85, और फिर जो शैडो अटैक है वो रहेगा 94, और जो इसका वेपन है उसका नाम हुआ ग्लेव, और जो इसका रेंज वेपन है वो होगा रोबोटिक कंट्रोल। तो ये जो रेंज वेपन है वो एक यूनिक एबिलिटी है, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर जो इसका साइड एबिलिटीज़ है, तो इसको फर्स्ट में एक साइड एबिलिटी मिलेगा जो है फॉरवर्ड साइड एबिलिटी, और इसका नाम होगा हार्पून, और जो इसका वर्किंग है वो कुछ ऐसा होगा। तो फिर अब जो उसका स्पेशल किक है उसका नाम होगा फ्लिंग। तो चलिए अब उसकी यूनिक एबिलिटीज़ को देखते हैं। तो फिर नानामी के पास दो यूनिक एबिलिटीज़ रहेंगी। फर्स्ट में है रोबोटिक कंट्रोल। इसमें होगा कि जो नानामी है उसको राउंड के फर्स्ट में तो रेंज वेपन का फुल चार्ज मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद उसको 6 सक्सेसफुल हिट परफॉर्म करना होगा उसे दोबारा फेल करने के लिए। तो फिर जब वो इस रेंज वेपन को यूज़ करेगी तो वो अपने अपोनेंट पर कंट्रोल कर लेगी और उसको फोर्स करेगी कि वो ग्राउंड पर 3 सेकंड के लिए बैठे, और उस 3 सेकंड में वो अपोनेंट पर अटैक कर सकती है, और फिर जो उसका वर्किंग है वो कुछ ऐसा होगा। तो फिर सेकंड में नानामी के पास जो यूनिक एबिलिटी है उसका नाम है बॉडी रिचार्ज। इसमें होगा कि जो हर 10 सेकंड में क्या करेगी कि नानामी एक लाइट छोड़ेगी छोटा सा एरिया में, और वो ब्लू लाइट होगा। तो जब अपोनेंट इस ब्लू लाइट में एंटर कर जाता है तो क्या होगा कि अपोनेंट को डैमेज पहुंचेगा, या तो अपोनेंट को ओवर टाइम डैमेज होगा या फिर नानामी ओवर टाइम हेल्थ रिस्टोर करेगी, ये दोनों में से कुछ एक चीज़ होगा। तो फिर चलिए अब उसके टैलेंट्स को देखते हैं। तो फिर लेवल सेकंड पर सबसे फर्स्ट में है विजिबिलिटी। यहाँ पर है कि जो बॉडी रिचार्ज में नानामी जो लाइट इमिट कर रही थी उसका जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर ऑप्शन में है शैडो डिस्ट्रॉयर। यहाँ पर हुआ कि जब नानामी सक्सेसफुली अपना रोबोटिक कंट्रोल यूज़ कर लेगी तो अपोनेंट क्या करेगा कि थोड़ा सा शैडो एनर्जी लॉस कर देगा। सबसे फर्स्ट में 4 लेवल पर है चोक। यहाँ पर हुआ कि जो नानामी है एक न्यू शैडो एबिलिटी गेन करेगी और शैडो फॉर्म ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा, और जो शैडो एबिलिटी है उसका वर्किंग कुछ ऐसा होगा। तो फिर ऑप्शन में है परफेक्ट बॉडी। यहाँ पर हुआ कि जो नानामी है वो बॉडी रिचार्ज के टाइम में या तो शैडो एनर्जी गेन करेगी या फिर हेल्थ गेन करेगी, और नहीं तो अपोनेंट को डैमेज देगी ओवर टाइम। तो फिर लेवल 6 पर सबसे फर्स्ट में है शैडो एरिया। यहाँ पर हुआ कि जब अपोनेंट शैडो फॉर्म में इंटर करेगा तो नानामी क्या करेगी, सडनली यूज़ कर लेगी अपना बॉडी रिचार्ज, यानी कि वो एक लाइट इमिट कर देगी। फिर ऑप्शन में है रियल रोबोट। यहाँ पर हुआ कि जब क्या हुआ कि नानामी अपना सारा शैडो एबिलिटी सक्सेसफुली यूज़ नहीं कर पाएगी तो वो क्या करेगी कि रोबोटिक कंट्रोल का एक फुल चार्ज गेन कर लेगी। नाउ अब लेवल 8 पर सबसे फर्स्ट में है एक्स्ट्रा चार्ज। यहाँ पर हुआ कि जो नानामी है बॉडी रिचार्ज से अब क्या कर सकती है कि ज़्यादा शैडो एनर्जी गेन कर सकती है, हेल्थ गेन कर सकती है, नहीं तो फिर अपोनेंट को ज़्यादा डैमेज दे सकती है। और फिर ऑप्शन में है फ्यूचर चार्जर। यहाँ पर हुआ कि जब अब नानामी क्या करेगी कि अब 10 सेकंड की जगह 8 सेकंड में लाइट को इमिट करेगी। तो फिर जो एक्सटर्नल फोर्स है 10 लेवल पर वो ज़रा सा हार्ड है टैलेंट, तो इस टैलेंट को ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो इस टैलेंट में है कि जब अपोनेंट का शैडो एनर्जी बार फुल रहेगा और वो 4 सेकंड के लिए शैडो एनर्जी को यूज़ नहीं करेगा तो क्या करेगा, उसके बाद नानामी का हर एक अटैक 4 सेकंड के बाद एक बाउंड्री अपोनेंट पर छोड़ने लगेगा और वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज प्रोवाइड करेगा अपोनेंट को ओवर टाइम। और ये इफेक्ट तब तक चलता रहेगा जब तक अपोनेंट शैडो फॉर्म में एंटर करके शैडो फॉर्म को ख़त्म नहीं कर देता या फिर थोड़ा सा शैडो एनर्जी लॉस नहीं कर देता। और फिर ऑप्शन में है कॉमन नीड। इसमें होगा कि जो रोबोटिक कंट्रोल है वो 6 अटैक से चार्ज होता था, लेकिन अब वो उसको 6 अटैक का ज़रूरत नहीं है, अब वो 6 सेकंड्स में चार्ज होगा। तो फिर आप मुझे कमेंट करके बोल दीजिए कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स कैसा लगा, और मैंने बाकी सब हीरो के भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, मैं उस पर एक एक करके
वीडियो अपलोड कर दूँगा। और मैंने एक और वीडियो के बारे में बात किया था जो था बप्स और नप्स के बारे में, तो मैं क्या करूँगा कि वो जो वीडियो है वो कल अपलोड कर दूँगा, तो कल रेडी रहिएगा।